गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग रिक्शिया की पौधानी के निर्माण की बात कर रहे थे कि रिक्शिया के अंदर, क्योंकि जो जनन होता है लैंगिक जनन वो ऊगेमस प्रकार का होता है, और जब ऊगेमस की बात आती है तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही अलग अलग निर्मित होते हैं और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो हमने यहाँ पर जो रिक्शिया का थैलस था, थैलस की दो सतह होती हैं, डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू। जो डोर्सल व्यू होता है, डोर्सल व्यू की जो मीडियन ग्रूव होती है, जो मध्य खांच होती है, मध्य खांच पर अगर एक लिंगाश्री है तो नर और मादा थैलस अलग अलग होंगे, और अगर उभय लिंगाश्री है तो उस पर नर और मादा थैलस दोनों उपस्थित, सॉरी नर और मादा दोनों ही पार्ट एक ही थैलस पर उपस्थित होंगे। तो हम बात कर रहे थे पौधानी निर्माण की पिछले लेक्चर में कि अव्यक्त जो अपाक्ष सतह होती है, अपाक्ष सतह के ऊपर पौधानी का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्त्रीधानी के निर्माण की कि स्त्रीधानी का निर्माण किस प्रकार से होता है। जब हम स्त्रीधानी निर्माण की बात करते हैं तो सीधी से हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि पौधानी का निर्माण पृष्ठीय कोशिका के द्वारा हो रहा था। एक पृष्ठीय कोशिका अपने आकार में बढ़ती है जो क्या कहलाती है, एंथेरिडियम इनिशियल कहलाती है। अब पौधानी का निर्माण हो रहा है वो भी अपाक्ष सतह पर हो रहा है, और अपाक्ष सतह पर हो रहा है तो यहाँ पर जो पौधानी का निर्माण करने वाली कोशिका होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर आर्चिगोनियल इनिशियल। तो यहाँ पर जो पृष्ठ सतह है, या फिर कहें कि जो अपाक्ष सतह है, जो डोर्सल साइट है या डोर्सल जो व्यू है, अपाक्ष सतह की कोशिका, यहां पर एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी, और अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होकर के किसका निर्माण करेगी, आर्चिगोनियल इनिशियल कोशिका का निर्माण करती है। आर्चिगोनियल इनिशियल कोशिका में होता है अनुप्रस्थ विभाजन। जब यहां पर अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो यहां दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। जो कोशिका ऊपर की तरफ बनेगी वो आउटर सेल कहलाएगी, और नीचे की तरफ बनेगी वो क्या कहलाएगी, बेसल सेल कहलाएगी। अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो अनुप्रस्थ विभाजन कैसे होता है, और अनुदैर्ध्य विभाजन इस प्रकार से। तो यहां पर अनुप्रस्थ विभाजन से दो सेल्स का निर्माण हो जाएगा, ऊपर की तरफ आउटर सेल और नीचे की तरफ बेसल सेल। अब यहां पर जो दो कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं में से बेसल कोशिका तो यहां केवल आधार से जुड़ने का कार्य करती है। आधार गैमेटोफाइट जो थैलस है, उस थैलस से जुड़ने का जो कार्य करेगी, आधार से जो जुड़ने का वो कार्य करेगी, वो कौन सी कोशिका करेगी, बेसल कोशिका। लेकिन आगे का जो डिवीजन होते हैं, या फिर कहें कि स्त्रीधानी का जो आगे का विकास होता है, ये आगे का विकास किससे होगा, आउटर सेल के द्वारा। बाकी विकास आउटर सेल के द्वारा होता है। अब यहां पर क्या होगा, जो आउटर सेल है, इस आउटर सेल में होते हैं दो डिवीजन। जब आउटर सेल में दो डिवीजन होते हैं तो यहां चार सेल्स का निर्माण होता है। दो डिवीजनों से चार सेल्स का निर्माण होता है। तो यहां तीन कोशिकाएं तो होती हैं पेरिफेरल, और एक कोशिका होती है इनिशियल। चार सेल्स में से तीन पेरिफेरल सेल्स का निर्माण होता है और एक अक्षीय या एक्सियल सेल का निर्माण होता है। देखिए हेड यहां पर कुछ इस प्रकार से होता है, तो यहां जो सेल्स का निर्माण होगा वो इस प्रकार से होगा। सेंटर की जो कोशिका है ये तो है एक्सियल सेल। सेंटर की जो सेल है ये कौन सी है, एक्सियल सेल, एक दो और तीन। बाकी जो तीनों कोशिकाएं वो कौन सी है, पेरिफेरल। तो हमको यहां 2D में केवल क्या दिखती है, दो ही कोशिकाएं नजर आ रही हैं, तीसरी कोशिका नजर यहां पर नहीं आती है। तो यहां दो विभाजनों से, आउटर सेल में दो विभाजन हुए तो चार सेल्स का निर्माण हो गया, जिसमें से जो केंद्र में उपस्थित है, जो सेंटर में उपस्थित है वो क्या कहलाएगी, एक्सियल सेल, और बाकी की जो इसके तीनों चारों तरफ उपस्थित है तीन कोशिकाएं वो क्या कहलाती है, पेरिफेरल सेल कहलाती है। अब यहां पर जो एक्सियल कोशिका है, इस एक्सियल कोशिका में होता है विभाजन।
डिवीजन होता है, वापस से विभाजन होगा एक्सियल कोशिका में और यहां पर दो सेल्स का निर्माण होगा। जब एक्सियल कोशिका में विभाजन होगा तो यहां दो सेल्स का निर्माण होगा। दो सेल कौन सी? एक कोशिका होगी प्राइमरी कवर सेल और दूसरी होगी सेंट्रल सेल। यहां पर एक प्राइमरी कवर सेल जो ऊपर की ओर उपस्थित है और दूसरी कोशिका कौन सी है? नीचे की तरफ प्राइमरी सेंट्रल सेल। तो नीचे की ओर प्राइमरी सेंट्रल सेल और ऊपर की ओर प्राइमरी कवर सेल। यहां पर दो सेल्स का निर्माण किससे हो रहा है? एक्सियल सेल के द्वारा दो सेल्स का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आगे के जो विभाजन होंगे वो किसके द्वारा होंगे? फिर एक्सियल सेल के द्वारा होंगे। अब यहां पर जो प्राइमरी कवर सेल है, प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल दोनों में आगे विभाजन होते हैं। तो देखिए एक तरफ मिनट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। आर्चिगोनियल इनिशियल से बेसल सेल बनी और बेसल सेल ने किसका निर्माण किया? स्त्री धानी के आधार का, जो स्त्री धानी का बेस था, स्त्री धानी के आधार का निर्माण किया। दूसरी बनी आउटर सेल। आउटर सेल में वर्टिकल डिवीजन हुए और वर्टिकल डिवीजनों से यहां पर चार सेल्स का दोनों तीन डिवीजन होंगे वर्टिकल। तो यहां तीन वर्टिकल डिवीजनों से यहां पर चार सेल्स का निर्माण हो गया, एक एक्सियल सेल और तीन पेरिफेरल सेल। तो देखिए एक्सियल सेल से मेन जो आगे का मेन निर्माण होता है एग सेल का, जो आगे का मेन निर्माण होगा एग सेल का वो तो होगा एक्सियल सेल के द्वारा। पहले काम देख लें हम पेरिफेरल सेल के, कि यहां पर पेरिफेरल सेल्स के द्वारा क्या काम होता है। यहां जो तीनों पेरिफेरल कोशिकाएं, जो तीन परिधीय कोशिकाएं हैं, यहां पर तीनों की तीनों परिधीय कोशिकाएं में होते हैं विभाजन और विभाजन होकर के 12 सेल का निर्माण होता है, 12 सेल्स का निर्माण हो जाता है। परिधीय कोशिकाओं में विभाजन होकर के 12 सेल्स का निर्माण हो जाता है। अब ये 12 सेल 6-6 के दो सोपानों में व्यवस्थित हो जाती हैं। 6 सेल ऊपर की तरफ और 6 सेल नीचे की तरफ, 6 सेल के दो दो सोपानों में व्यवस्थित हो गई। दो सोपानों में 6 सेल ऊपर की तरफ और 6 सेल नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाती हैं। अब यहां पर जो ऊपर वाली 6 सेल होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी नेक इनिशियल। और नीचे वाली इनको बोलते हैं प्राइमरी वेंटर इनिशियल सेल। नीचे वाली प्राइमरी वेंटर इनिशियल सेल, ऊपर वाली प्राइमरी नेक इनिशियल सेल। अब यहां पर जो प्राइमरी नेक इनिशियल सेल है इसमें विभाजन होंगे और विभाजन होने के बाद में 6-9 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इधर वेंटर इनिशियल, प्राइमरी वेंटर इनिशियल में विभाजन होंगे और 12-20 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जिस वक्त यहां विभाजन चल रहे हैं उस वक्त एक्सियल में भी विभाजन चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड में विभाजन चल रहा है दूसरी साइड की सेल्स चुपचाप बैठी, बोले पहले इधर हो जाने तो फिर हम करते हैं। नहीं, यहां सारी की सारी क्रियाएं क्या होंगी? एक साथ चलेंगी रिदम में। तो यहां ऊपर की 6 सेल्स ने, जो प्राइमरी नेक इनिशियल सेल्स थी, विभाजन करके 6-9 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, जो क्या होती है? ग्रीवा का निर्माण करती है। यहां ये नेक का निर्माण करेंगी, ये नेक के ऊपर जैकेट का निर्माण करेंगी। वापस इधर चलते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा, यहां पर पेरिफेरल सेल्स ने अपना काम कर लिया या कर रही है साथ के साथ। तो पेरिफेरल सेल्स का काम है ग्रीवा का निर्माण करना, नेक का निर्माण करना और नेक के साथ साथ उसकी सराउंडिंग में किसका? एक स्ट्राइल जैकेट का निर्माण करना, क्योंकि सुरक्षा का कार्य भी जरूरी है। तो सुरक्षा का कार्य भी पेरिफेरल सेल्स के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अब यहां पर एक्सियल सेल क्या कार्य करेगी? यहां पर जो सेंट्रल सेल थी, एक्सियल सेल थी, विभाजन हुए, दो सेल्स का निर्माण हुआ, दो सेल्स प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल। यहां कवर सेल का कार्य केवल इतना है कि कवर सेल यहां पर विभाजन करके चार कवर सेल का निर्माण करें, चार कवर सेल्स का निर्माण करें। कवर सेल्स जो है, प्राइमरी कवर सेल विभाजन करेगी, दो विभाजन होंगे,
दो विभाजनों के बाद में यहाँ पर चार कवर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। अभी कवर सेल को पीछे देखते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होंगी, विभाजन देखते हैं सेंट्रल सेल में। जो सेंट्रल सेल होती है, इस सेंट्रल सेल में होते हैं आगे विभाजन। और देखिए, जब एक्सियल सेल में कवर सेल को छोड़िए, नीचे वाली कोशिका सेंट्रल सेल या सेंटर, सेंटर कहें या सेंट्रल कहें, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर जो सेंटर सेल होती है नीचे वाली, तो इस कोशिका में विभाजन होते हैं। तो यहां प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल बनती है। तो देखिए, नेक इनिशियल छोड़ो, पेरिफेरल सेल से बन गया, यहां विभाजन होंगे इस वाली कोशिका में। इस कोशिका में जब विभाजन होते हैं तो यहां एक तो ये बन जाती है प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और दूसरी कौन सी बनती है, इसके जस्ट नीचे प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल, एनसीसी और बीसीसी, दो सेल्स का निर्माण हो जाता है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल का और प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल का। अब यहां पर प्राइमरी नेक कैनाल सेल में होते हैं विभाजन। जब प्राइमरी नेक कैनाल सेल में विभाजन होते हैं तो यहां चार से छह सेल्स का निर्माण होता है। जब प्राइमरी नेक कैनाल सेल में विभाजन होते हैं तो चार से छह सेल्स का निर्माण होता है, जो किसका निर्माण करेंगी, नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करेंगे। यहां प्राइमरी नेक कैनाल सेल में जब विभाजन होंगे तो चार से छह नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करेंगे, जो इस में अंदर उपस्थित हैं, जिसको नेक कह रहे हैं, नेक के अंदर उपस्थित होती हैं। अब बची प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल, इसके नीचे की ओर कौन सी उपस्थित है, प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल। अब प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल में वापस से फिर विभाजन होते हैं, और वापस से फिर विभाजन होते हैं तो यहां पर दो सेल बनती हैं, एक छोटी बनती है और एक बड़ी बनती है। तो देखिए, जो यहां पर छोटी कोशिका होगी, ये छोटी कोशिका बनाएगी यहां पर वेंट्रल कैनाल सेल, ये रही छोटी कोशिका, छोटी कोशिका यहां पर वेंट्रल कैनाल सेल बनाती है। और जो बड़ी कोशिका होती है, जो नीचे की ओर उपस्थित होती है, ये जो बड़ी कोशिका है, ये बड़ी कोशिका निर्माण करेगी एग सेल का। तो बड़ी कोशिका के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, एग सेल का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, हमने पहले चार कवर सेल का निर्माण किया है। अब ये चार कवर सेल कहां उपस्थित होंगी, तो स्टूडेंट्स, यहां पर जिन चार कवर सेल का निर्माण हुआ है, ये चार कवर सेल जो यहां नेक है, इस नेक के जस्ट ऊपर दिखाई दे रही है हमें, दो सामने दिखाई दे रही है और दो इनके पीछे की ओर उपस्थित होंगी। तो चारों की चारों जो नेक सेल हैं, चारों नेक सेल कहां होती हैं, जो स्त्री धानी की नेक होती है उसके ऊपर कवर के रूप में, ढक्कन के रूप में उपस्थित होती है। जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दिया, बोतल बंद, तो ये एक प्रकार से ढक्कन का कार्य करती है कवर सेल्स। तो यहां कवर सेल्स नेक के ऊपर उपस्थित होकर के स्त्री धानी की जो नेक होती है उसको क्या कर देती है, क्लोज। अब स्त्री धानी की नेक क्या हो गई, बंद। अब देखिए, हमने यहां पर दो चीज देखी थी कि एक तो प्राइमरी नेक इनिशियल सेल से छह से नौ कोशिकीय ग्रीवा का निर्माण हो रहा था और 12 से 20 कोशिकीय जैकेट का निर्माण हो रहा था। ये जो सेल्स हैं, ये चार से लेकर के छह, चार भी हो सकती हैं और छह भी हो सकती हैं, तो हमने यहां संख्या में छह बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जिनको क्या कह रहे हैं, एनसीसी, नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल्स को घेरे हुए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, नेक सेल। और वास्तविक रूप से ग्रीवा का निर्माण किसके द्वारा होता है, नेक सेल के, जो नेक कैनाल सेल्स को घेरे हुए पाई जाती हैं। तो यहां जो 6 से 9 सेल थी, ये 6 से 9 सेल इन एनसीसी को घेरे हुए किसका निर्माण करती हैं, ग्रीवा का। अब इस ग्रीवा को चारों तरफ से जो घेरने का कार्य किया जाता है, वो कार्य किया जाता है इन 12 से 20 सेल्स के द्वारा।
ग्रीवा ही ग्रीवा नहीं, नीचे से एक्सेल तक। तो देखिए जो 12 से 20 कोशिकाएं हैं जो बंध जैकेट का निर्माण कर रही हैं, ये कोशिकाएं इस जगह पर उपस्थित होंगी बाहर की ओर, और जो पूरी की पूरी संरचना को क्या होंगी, कवर की ओर। तो ये 12 से 20 कोशिकाएं यहां चारों तरफ से किसका निर्माण कर देंगी, जैकेट का, एक स्ट्राइल सेल्स कंप्लीट जैकेट का निर्माण कर देती हैं। तो यहां पर अब किसका निर्माण हो गया, स्त्री धानी का निर्माण हो गया, जिसके अंदर क्या उपस्थित है, एग सेल उपस्थित है। वापस रिपीट करते हैं, यहां जो पृष्ठीय सतह पर या फिर कहें अपाक्ष सतह पर जो पृष्ठीय कोशिका थी, वो अपने आकार में, कोई भी कोशिका फिक्स नहीं होती कि यही कोशिका होगी, कोई भी कोशिका अपने आकार में वृद्धि करके आर्चिगोनियल इनिशियल का कार्य करती है। आर्चिगोनियल इनिशियल में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, आउटर सेल का निर्माण होता है और दूसरी बेसल सेल का निर्माण होता है। बेसल सेल स्त्रीधानी का आधार बनाती है, आउटर सेल में 3 वर्टिकल डिवीजन होते हैं और 3 वर्टिकल डिवीजन से 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है, जिसमें से 3 पेरिफेरल होती हैं और एक कैसी होती है, एक्सियल होती है। अब यहां पर जो 3 पेरिफेरल होती हैं उनमें होते हैं बार बार विभाजन और 12 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये 12 कोशिकाएं 6-6 के 2 सोपानों में व्यवस्थित हो जाती हैं और 6-6 के 2 सोपानों में व्यवस्थित होकर के जो ऊपरी वाली होती है, यहाँ सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है, जो ऊपर वाली होती है वो अंदर की तरफ आती है और अंदर वाली होती है वो कहाँ जाती है, बाहर की तरफ, क्योंकि निचली क्या कर रही है, जैकेट का निर्माण, तो ये बाहर की तरफ आएंगी। तो यहाँ पर जो प्राइमरी नेक इनिशियल सेल होती है ऊपर वाले सोपान की, ये 6-9 नेक सेल बनाएंगी, ये 6-9 नेक सेल बनाएंगी, और इसके नीचे की तरफ जो 6 सेल होती है जिन्हें प्राइमरी बेंटल इनिशियल सेल्स कह रहे थे, ये 12 से 20 यहां पर बंध सेल्स जो है वो एक जैकेट का निर्माण करेंगी। अभी हम आगे स्पोरोफाइट पढ़ेंगे, स्पोर का अंकुरण पढ़ेंगे, वहां ये वापस से आएंगी बेंटर इनिशियल सेल, क्योंकि इनके द्वारा कैलेप्ट्रा का निर्माण किया जाता है। वापस रिपीट करूंगी इस वर्ड को, तो याद रखना कि बेंटर इनिशियल सेल्स के द्वारा कैलेप्ट्रा का निर्माण होता है। बात करते हैं एक्सियल सेल की तरफ, एक्सियल सेल के द्वारा वापस एक्सियल सेल में विभाजन होते हैं, एक्सियल सेल में विभाजन होकर के ऊपर की तरफ प्राइमरी कवर सेल बनती है, नीचे की तरफ सेंटर सेल बनती है। प्राइमरी कवर सेल में वापस विभाजन होते हैं, 4 सेल्स का निर्माण होता है, जो चारों की चारों कोशिकाएं स्त्री धानी की जो ग्रीवा होती है उसके ऊपर उपस्थित होती है, जो किसका कार्य कर रही है, ढक्कन का कार्य कर रही है। अब जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में वापस विभाजन होते हैं, तो यहां पर इसके विभाजनों से प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी बेंटर कैनाल सेल का निर्माण होता है। तो प्राइमरी जो नेक कैनाल सेल है वो 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करती है, और प्राइमरी बेंटर कैनाल सेल छोटी बेंटर कैनाल सेल का निर्माण करती है और बड़ी एग सेल का निर्माण करती है। तो एट लास्ट कंप्लीटली किसका निर्माण हो जाता है, स्त्री धानी का निर्माण हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, आगे अब इस स्त्री धानी में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी कैसे, अब क्या होगा कि जब यहां पर स्त्री धानी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली स्त्री धानी का विकास हो गया, विकास होने के बाद में अब यहां पर निषेचन होना है, क्योंकि मैचुरेशन होगा, परिपक्वन होगा, तो परिपक्वन के बाद में किसकी प्रक्रिया होगी, निषेचन की। जब यहां पर निषेचन की प्रक्रिया होगी तो कौन बताएगा कि जो यहां पर स्त्री धानी है वो क्या हो गई, मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गई, क्योंकि हमको पता है कि पौधानी जब मैच्योर हो जाती है तो पुंडों को वहां से छोड़ दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि जिलेटिनस हो जाता है, और जिलेटिनस होने के बाद में पुंड कहां हो जाते हैं, पानी में फ्री।
जैसे ही एग सेल का मैचुरेशन हुआ, मैचुरेशन होने के तुरंत बाद या फिर कहें निषेचन से पहले, निषेचन नहीं हुआ है, निषेचन से पहले यहां बीसीसी और ऊपर वाली एनसीसी, नेक कैनाल सेल और बेंटर कैनाल सेल ये दोनों ही एनसीसी नेक कैनाल सेल प्लस बेंटर कैनाल सेल, क्योंकि एग सेल से ऊपर यही उपस्थित है, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, चार से छह तो ये होती हैं और एक ये होती है, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं, ये विघटित तो होना स्टार्ट कर देती है, ये क्या हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं। जब यहां पर ये विघटित होती हैं तो विघटन की वजह से यहां पर कुछ चिपचिपा पदार्थ बनता है, या फिर कहें कि जब एनसीसी और बीसीसी विघटित होती है तो यहां पर श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण होता है। यहां श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण होता है इनके विघटित होने पर। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूरी सेल्स क्या हो जाएंगी, विघटित हो जाएंगी, और इनके विघटित होने के बाद में, क्योंकि अब यहां पर ये क्या उपस्थित है, नेक सेल, नेक सेल से और नेक सेल्स मिलकर के किसका निर्माण कर रही है, नेक का, आर पार अब एक किसका निर्माण हो गया, संकीर्ण गुहिका का निर्माण हो जाता है, संकीर्ण गुहिका, एक तरह से ये कहें कि एक रास्ता बन गया एग सेल से ऊपर तक क्लीन, कोई रुकावट नहीं है। तो अब जो श्लेष्मीय पदार्थ है, रुकावट तो है भी, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या बैठी है, कवर सेल, जब तक कवर सेल्स नहीं हटेंगी तब तक जो एंथेरोजोइड है, पुमड़ू है, वो अंदर तक नहीं जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, श्लेष्मीय पदार्थ करेगा जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करने के बाद में यहां प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, अब यहां पर दबाव बनने लग गया, और जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा तो जो कवर सेल है ये क्या होंगी, हट जाएगी, दबाव बढ़ने से कवर सेल अपने स्थान से हट जाती है, या फिर कहें कि रास्ता दे देंगी, इस प्रकार से हटने का मतलब ये नहीं है कि साफ हो गई। तो यहां से एक दूसरे से जो टच थी वो क्या हो गई, एक दूसरे से दूर हो गई। अब यहां पर जो एंथेरोजॉइड था वो एंथेरोजॉइड क्या होगा, स्त्री धानी की ग्रीवा तक पहुंच जाएगा, ये यहां से सीधा कहां पहुंचेगा, एग सेल के पास में। तो एंथेरोजॉइड को रास्ता मिल गया, रास्ता मिलने के बाद में सीधा कहां पहुंचेगा, एग सेल के बाद में। तो यहां पर एग सेल प्लस एंथेरोजॉइड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, क्यों, किसका निर्माण हो गया, जायगोट का। जैसे ही एंथेरोजोइड एग सेल के पास पहुंचेगा दोनों में निषेचन की क्रिया होगी, संलयित हो जाएंगे दोनों के केंद्रक, और एट लास्ट यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, जायगोट का। और जायगोट का निर्माण होने के बाद में अब अवस्था आ गई डिप्लॉयड, क्योंकि अब तक अवस्था कौन सी थी, हैप्लॉयड, अब यहां पर डिप्लॉयड अवस्था आ जाएगी। और ये जो डिप्लॉयड अवस्था जायगोट होती है, ये जो अगली हम पढ़ेंगे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पिंडी की फर्स्ट सेल होती है, स्पोरोफाइट जो पिंडी आएगी उसकी क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है नेक्स्ट लेक्चर में।